हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की एक पोएम और उसका नाम है फोग, जिसे रचित किया है कार्ल सैंडबर्ग द्वारा। ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटी पोएम है, पर इसमें बहुत ही शानदार फोग का चित्रण किया गया है। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। यहाँ पे पोइट ये कह रहा है कि फोग कम्स, फोग आती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। फोग का मतलब है धुंध, जैसे हल्की हल्की ठंड पड़ती है या ठंड बहुत ज्यादा होती है तो जिस तरह से धुंध हमें दिखाई देती है, उसके बारे में यहाँ पे बातें की जा रही है कि फोग जो है वो एक लिटिल कैट के फीट की तरह आती है। जैसे एक छोटी बिल्ली होती है, वो दबे पांव आती है, धीरे धीरे आती है और उसके आने का किसी को पता नहीं चलता है, उसी प्रकार से फोग जो है अचानक से चुपचाप आ जाती है और उसका किसी को पता भी नहीं चलता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, ऐसा लगता है जैसे कि वो बैठी है और वो देख रही है हार्बर की तरफ और सिटी की तरफ। हार्बर का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पे बहुत सारे शिप जो है वो खड़े होते हैं, रुकते हैं या जहाँ से वो आना जाना करते हैं। एंड सिटी, ऐसा लगता है जैसे कि ये फोग जो है वो हार्बर की तरफ और सिटी की तरफ देख रही है। ऑन साइलेंट होंचेज, और किस प्रकार से वो बैठी है। होंचेज, होंचेज का मतलब होता है घुटनों के बल जब कोई बैठता है तो उसे कहते हैं होंचेज। तो बिल्ली जो है वो अपने होंचेज पे बैठी है, उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि फोग जो है वो भी अपने होंचेस पे बैठी है। एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद में वो क्या करती है, वहां से आगे बढ़ जाती है। तो एक छोटी सी पोएम है, इसमें बताया गया है कि फोग जो है वो एक बिल्ली की तरह दबे पांव आती है और आने के बाद में बैठ जाती है अपने होंचेस पे। साइलेंटली वो बैठ जाती है और हार्बर और सिटी की तरफ वो देखती है और उसके बाद में वो वहां से चली जाती है। ये बहुत छोटी पोएम है, इसके अंदर जो पोएटिक डिवाइस यूज की गई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है, द फोग कम्स, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। यूजुअली ह्यूमन बींग्स आते और जाते हैं, इसलिए फोग को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। अगर दूसरी लाइन की बात करें तो ऑन लिटिल कैट फीट, तो यहाँ पे मेटाफर का प्रयोग है, यहाँ पे फोग का कैट से कंपेरिजन किया है, तो ये हो गया मेटाफर। तीसरी लाइन है इट सिट्स लुकिंग, तो ये जो क्वालिटी है सिटिंग और लुकिंग वाली, ये भी ह्यूमन बींग्स के पास ही होती है, तो यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। और उसी के साथ साथ में इस पोएम के अंदर एक पोएटिक डिवाइस का यूज और किया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं इंजेबमेंट। इंजेबमेंट में क्या होता है, जब पोएम के अंदर लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं जो एक लाइन से अगली लाइन तक कैरी करते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहली दो लाइन का एक सेंटेंस है, फिर आगे बहुत बड़ा सेंटेंस है जो लगभग चार लाइन में है। तो यहाँ पे हमने इस पोएम के बारे में जान लिया है। दोस्तों, इस क्लास के और भी जो वीडियोज हैं वो अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।